तो बच्चों हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन और आज हमारा थर्ड लेक्चर है रिलेशन और फंक्शन में। और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं और रिलेशन पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या है? एक्चुअल में जो फंक्शन है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम एक रिलेशन डेवलप करते थे ना एक सेट से दूसरे सेट में, इज सेट टू बी ए फंक्शन। उसे हम फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या मीनिंग है कि दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी। ए टू बी एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन एंड वन, सिर्फ एक, केवल एक इमेज होना चाहिए। एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज नहीं होने चाहिए, ठीक है? उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे दो मैपिंग लिखी हुई है। ये फंक्शन हम रिलेशन मान के चलते हैं कि ये रिलेशन है ए टू बी। तो ये जो पहले वाला मैंने यहाँ मैपिंग लिखी है, क्या ये जो रिलेशन है, क्योंकि ये एक रिलेशन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? है। आप बोलते हैं कि ये एक रिलेशन है और ये फंक्शन भी है, यस है कि नो? यस। फिर से डेफिनेशन देखो, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट का हर एक एलिमेंट जो है उसका एक, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। अब इसमें जितने एलिमेंट है क्या सबका इमेज है? तो सिक्स का नहीं है। सिक्स वन का कहाँ है? मैं तो सिक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, सेकंड की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट का हर एक एलिमेंट, इसका एक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। और यहाँ सिक्स एक एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल मैंने दिया है रिलेशन का, ये फंक्शन नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं, 9, 4, 25, तीन एलिमेंट है सेट, इसमें पी ले लेते, इसका नाम ये क्यू है, तो दो सेट है पी और क्यू। पी का और पी में जो एलिमेंट है 9, 4, 25 और ये क्यू के कुछ नंबर के साथ इसका रिलेशन है। बताओ क्या ये एक रिलेशन फंक्शन है? क्यों नहीं है? एक से ज्यादा इमेज है, नाइन का इमेज एक थ्री है, एक माइनस थ्री है, फोर का टू, माइनस टू फाइव, 25 का। तो हमने कहा वन ओनली वन, सिर्फ इस एलिमेंट का एक ही इमेज आपको मिलना चाहिए, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन। चलिए एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। दिस इज एक्स सेट, दिस इज वाई सेट। तो ये एलिमेंट है 1, 2, 3, 2, 4, 6 और मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ ये। अब बताएं क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है? Yes, अब है कि इसका हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, ठीक है? इसमें थोड़े से और मैं एक करेक्शन कर देता हूँ कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं। मतलब जैसे ये फोर है, तो फोर जो जैसे टू का इमेज क्या है? फोर। तो वन का इमेज भी फोर हो सकता है, ऐसा कंडीशन आ सकता है, देन ये फंक्शन है।
क्योंकि हमने बात की कि ये यूनिक होना चाहिए, इमेज जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो वन एंड ओनली वन होना चाहिए, आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट के सेम इमेज भी हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक एलिमेंट के दो इमेज पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको साफ कर रहा हूँ, मैं क्योंकि इसके साथ एक और डेफिनेशन जुड़ी है वो मैं आपको समझानी है। तो अब आपको फंक्शन क्लियर हो गया कि एक जो रिलेशन है वो फंक्शन कैसे है। एक और डेफिनेशन इसकी मैं सेकंड डेफिनेशन लिखता हूँ कि जो एफ है, एफ इज ए फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे एफ सच दैट, अगर ये वाला लेता हूँ तो ये आ गया एक्स टू वाई। फंक्शन को मैं डिफाइन करूँ अगर तो ये लिखूँगा एफ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। तो अनदर डेफिनेशन है कि एफ इज ए रिलेशन, सॉरी इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स, ले लेता हूँ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज एसोसिएटेड ए रूल, एसोसिएटेड ए रूल विद एलिमेंट एक्स इन एक्स, वाई एलिमेंट यूनिक y एलिमेंट इन y। तो क्या हुआ फंक्शन? फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y इज ए रूल, इज ए रूल एसोसिएटेड विद एलिमेंट x इन x एंड यूनिक एलिमेंट y इन y। मतलब फंक्शन क्या है? ये एक रूल है जो इसमें जो एलिमेंट है, जो इसमें जो एलिमेंट हैं उनके साथ वो एसोसिएट है। कैसे? मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि f एक फंक्शन है फ्रॉम ए सेट x टू फ्रॉम सेट y, y f x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, मैंने ये जो फंक्शन f है इसको कैसे डिफाइन किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जो इस सेट से एलिमेंट आएगा वो इसमें जब पुट करेंगे तो मेरे पास y आएगा। दिस योर क्या है? y, और मैं इसे लिखूंगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब मैंने ये एग्जांपल लिखी थी एक, ये देखो ध्यान से, क्या ये जो फंक्शन, ये जो फंक्शन है क्या इसी रूल के साथ बंधा है? देखो एफ एक्स, आप एक्स की वैल्यू लें, दिस इज योर एक्स, वन पुट करें, टू इंटू वन टू, देखो वन किसके साथ रिलेशन, इसका दो के साथ, दूसरे टू के साथ रिलेट है। फिर आप एक्स की वैल्यू टू लें, टू इंटू टू, देखो टू किसके साथ एसोसिएट है, यहाँ थ्री पुट करें कितना आएगा, तो सिक्स एसोसिएट है। तो फंक्शन इज ए रूल, फंक्शन क्या है? एक रूल है विच एसोसिएटेड विद नंबर नंबर एक्स, नंबर इन एक्स सेट एंड यूनिक नंबर इन वाई सेट। ठीक है, और इसमें क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो इसमें पुट करना है वो किस में जाएगा? y में, ये आपका y सेट है। कुछ इसमें टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट सेट जो है, इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेन, दिस इज सेट ऑफ डोमेन। और ये नो ये रेंज तभी होंगे अगर ये जो एलिमेंट हैं वो इस रूल से
एसोसिएट होंगे। अगर इसके अलावा यहाँ कोई नंबर आ जाता है, मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 7, तो इस रूल के मुताबिक, इस फंक्शन के मुताबिक 7 जो है किसी भी इसका प्री इमेज नहीं है, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं। ये इमेज है, ये प्री इमेज है। तो यहाँ पे जो 7 है, अब सेट क्या बन गया, वाई सेट। वाई सेट में आपके पास एलिमेंट आ गए 2, 4, 6, 7। अब ये रेंज नहीं है, दिस इज कोड मेन। रेंज जब आप यहाँ से जो रूल है उस रूल के मुताबिक जो एलिमेंट इसमें एसोसिएट होगा वो उसकी रेंज में जाएगा, जैसे हमने रिलेशन में किया था, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट होगा को डोमेन, सेम जैसे हमने रिलेशन में भी ऐसे किया था, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसे नोट कर लो। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या है कि आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन एंड गिव रीजन इफ इट इज फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो पहले तो हमने प्रूव करना है, बताना है कि इनमें से फंक्शन कौन है। अगर फंक्शन है तो फिर डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, तो फर्स्ट पार्ट ये एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा कि एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ठीक है। तो 2 का इमेज है 1, 5 का इमेज है 8 का इमेज है 11 का 1। तो क्या हुआ, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? हमने पीछे एग्जाम्पल बताया था कि एक से ज़्यादा एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं। मैंने पीछे जब एक डायग्राम बनाई थी, एरो डायग्राम, उसमें मैंने बताया था कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकते, लेकिन एक से ज़्यादा एलिमेंट के सेम इमेज हो सकते हैं। तो फिर ये क्या है, एक फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, जो फर्स्ट प्लेस पे जो भी एलिमेंट हैं वो उसके डोमेन में। तो 2, 5, 8, 11, 17 और रेंज तो सब में 1 है, तो इसलिए एक ही एलिमेंट जो है रेंज में आएगा। चलिए सेकंड देखें, 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4। चलिए बताएं, 2 एलिमेंट है, इमेज 1 है, फिर 4 एलिमेंट हो गया, इमेज 2 हो गया, 6 एलिमेंट है, फिर इमेज 3 हो गया। तो क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, तो ये क्वालिफाई करता है। तो डोमेन क्या आ गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sorry 14 भी है, और रेंज में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। थर्ड वन देखिए, 1, 3, 1, 5, तो 2, 5, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है। कारण कि एक एलिमेंट है 1, उसका इमेज बता रहा है 3, अगेन फिर 1 एलिमेंट का इमेज बता रहा है, तो एक एलिमेंट के मोर देन 1 इमेज हैं, तो हमारे पास एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। सो ये रीज़न है, तो ये इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है। आगे ना, जो फंक्शन कितने टाइप्स के हैं और उसके ग्राफ दिए हैं,
तो अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है, तो मैंने जस्ट ये जो फंक्शंस आपको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन गिवन है वो मैंने लिख दिए हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कि एक फंक्शन होगा जिसमें फंक्शन आर टू आर सेट क्या है रियल टू रियल नंबर, और वो होगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, उस फंक्शन क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आप 1 पुट करें आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करें 2 मिलेगा, 3 पुट करें 3 मिलेगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी। सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि एक फंक्शन आर टू आर पे डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू सी। इसका क्या मीनिंग है कि आप एफ एक्स में जो मर्जी वैल्यू पुट करें, डोमेन में जो मर्जी वैल्यू होगी, लेकिन आपके पास जो इमेज में जो वैल्यू है वो सी ही रहेगी, दैट इज कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। चाहे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, अगर सी की वैल्यू मान लो 10 है तो 10 ही रहेगी, चाहे आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करें चाहे एक्स की वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इस टाइप के फंक्शन ए नॉट ए वन एक्स सो ऑन ए एन एक्स की पावर एक्स एन। यहाँ पे जो ए जीरो ए वन ए टू है ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और रैशनल फंक्शन क्या होता है, जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के, और इसमें एक कंडीशन है कि जो जी एक्स है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, जिसका मॉडुलस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, मतलब आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तब भी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब भी इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और सिग्नम फंक्शन है, इसमें क्या होता है कि जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर एक्स जीरो के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है, जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 लेंगे आप तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी -1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एक्स यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके फंक्शंस हैं, और चलिए आप हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, और इसमें है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, इसमें मैंने इकट्ठा ही कर दिया। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन क्या है कि जैसे हम ऐड करते हैं कोई नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, क्या फंक्शन में वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपके पास दो फंक्शन हैं, एक एक्स स्क्वायर दूसरा क्या है 2x+1, तो आप इनको प्लस भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, ये फंक्शन आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्व करते हैं कि आपने फाइंड करना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो इसे आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ध्यान से देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है, एफ प्लस जी एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू ये है 2x+1। सिमिलरली एफ माइनस जी है ऑफ एक्स, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो इसका क्या आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस जी एक्स को माइनस करेंगे तो जिस दोनों टर्म में नेक्स्ट मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आप ऐसे करेंगे सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स, ध्यान दे दे, और एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है आप मल्टीप्लाई करें। सिमिलरली एफ ऑफ जी आप इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स कितना बेटा एक्स स्क्वायर और जी एक्स कितना, लेकिन मैंने यहाँ कंडीशन बताई थी कि जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा जीरो नहीं होगा, तो 2x+1 नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू -1/2, तभी ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जहाँ पे अगर इसके बराबर आ जाता है ये जीरो आ जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो दैट इज इन्फिनिटी, तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन जो हैं, एक और क्वेश्चन है तो सेम आपने ऐसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन था अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। एक चीज़ और बतानी थी आपको, जब हम फंक्शन की बात कर रहे थे तो कई बार हमें आता है रियल वैल्यू फंक्शन, क्या आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यू फंक्शन कौन होते हैं कि जो आपकी रेंज है, कोई भी आपको फंक्शन गिवन है उसमें जो रेंज हो, अगर वो रियल नंबर है या सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। और
अगर उसका जो डोमेन है वो भी अगर रियल नंबर है, मतलब उसका सेट रियल नंबर है या उसका कोई सेट सबसेट रियल का सबसेट है कोई उसका डोमेन, तो उस केस में हम उस फंक्शन को बोलेंगे रियल फंक्शन। अब यहाँ पे जैसे मैं इसी को डिफाइन कर लेता हूँ, ये देखिए, तो f सच दैट r टू r y डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो क्या ये जो फंक्शन है ये रियल फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, उसके जो रेंज है वो भी रियल नंबर है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रियल फंक्शन। और अगर सिर्फ यहाँ पे आपका डोमेन कुछ और हो और आर आपके पास रियल नंबर है तो फिर हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लें, तो ये एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, आपने फाइंड करना है डोमेन और रेंज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से देखना है कि हम ऐसे फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले डोमेन की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट में डोमेन, डोमेन का मीनिंग क्या है कि ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिन नंबर्स के लिए, जिन एलिमेंट्स के लिए वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स है वो है माइनस मॉडल एक्स, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें क्या ये कभी इनफाइनाइट आएगा? आप एक्स की वैल्यू जितने भी रियल नंबर्स में वैल्यू है कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखें, क्या ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है? इनफाइनाइट कब आती है? वन अपॉन जीरो आए, क्या ऐसी इसमें है कोई कंडीशन? तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो सभी नंबर्स के लिए क्या हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है। डिफाइन का मतलब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डोमेन है वो क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। अब रेंज जो है उसे आप ध्यान से देखिए, रेंज का क्या मीनिंग है, यहां पे देखिए एक्स क्या है, इसमें आपने प्रूव कर दिया ना कि ये जो फंक्शन है इसके जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो एक्स किसे बिलोंग करा है? जब एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है तो जो मॉडुलस एक्स है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है? ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी नंबर उसका मॉडुलस ले लें, या तो वो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा। आप देखो एक्स की वैल्यू टू ले लो तो टू क्या था, ग्रेटर देन जीरो। आप माइनस टू ले लो उसका मॉडुलस लो, अगेन कितना आएगा, टू अगेन ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू कब होगा, जब आप इस एक्स को जीरो पुट कर दें तो जीरो हो जाएगा। तो जब हमारे पास एक्स आर को बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो इसका जो मॉडुलस एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो किस में चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल टू। और इसे मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, यही एफ एक्स। अब इसने क्या कहा कि जब आप एक्स की वैल्यू रियल नंबर लेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, जीरो या जीरो से छोटा आएगा। तो इसे इस रेंज को अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, जीरो से छोटा, कितना छोटा, और जीरो इंक्लूड है, जीरो के साथ इक्वल लगा है तो इंक्लूड है, अगर इंक्लूड है तो कौन सी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में,
अब ये जो फंक्शन है ये कब डिफाइन होगा, मतलब इसकी वैल्यू कब आपको मिलेगी, वैल्यू मिलने का मतलब इसकी रियल वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अब रूट के अंदर कोई वैल्यू है वो कब पॉजिटिव है, कब उसकी वैल्यू आपको मिल सकती है? हाँ जी, रूट के अंदर ज़ीरो हो तो ज़ीरो है, और रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो होती है इमेजिनरी। आपने पढ़ा है पीछे कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स नंबर पे आपने पढ़ा था कि माइनस वन का रूट जो है वो आयोटा होता है, तो इसका मतलब ये कि ये इमेजिनरी नंबर है। तो ये कब रियल होगा फिर? एफ एक्स वी डिफाइन कब डिफाइन होगा? इफ इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर लेस देन जीरो आ गई तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एफ एक्स की? आयोटा में, आयोटा क्या है? इमेजिनरी। तो हमने तो रियल वैल्यू निकालनी है, तो रियल वैल्यू के लिए हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पे, या तो जो जीरो हो सकता है या जो जीरो से, तो ये मैंने लिख दिया कि ये एफ एक्स कब डिफाइन होगा इफ इसके जो रूट स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो या जीरो या जीरो से ज़्यादा। तो ये आपके अपने यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप इसे दोबारा से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नाइन, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स नाइन का थ्री। फिर रियल की प्रॉपर्टी है, रियल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि माइनस ए लेस देन एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस थ्री लेस देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री और लेस देन इक्वल टू थ्री, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू किस किस में आएगी? माइनस थ्री से लेकर थ्री के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो इसके डोमेन में होंगे, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल का साइन है ना। तो ये हुआ कितने नंबर में है, ये देखो कितने नंबर हुआ है, जीरो, ये माइनस थ्री है, ये प्लस थ्री है, तो इसके बीच में कितने करोड़ों अरबों नंबर है बस रहेंगे इसके बीच में। आप इसके बाहर चले जाओ आपको ये रियल नंबर नहीं देगा, देख लो माइनस फोर पुट करके देख लो, अगर इसके बाहर जाना माइनस फोर पुट हो कितना आ गए सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस हो गए सिक्सटीन में से नाइन चलिए माइनस सेवन आ गए, माइनस सेवन रूट में आयोटा आ गया। आप थ्री से आगे चले जाओ प्लस फोर कर दो फिर फोर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन में से नाइन माइनस सेवन, माइनस सेवन का रूट फिर आयोटा, फिर वो रियल नंबर नहीं है। तो आपका जो डोमेन है वो इसके बीच में रहेगा, ठीक है? तो दिस इज योर डोमेन, ओके। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है? रेंज। अब रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड है, कुछ बुक्स क्या करती हैं कि इसको वाई ले लेती हैं, फिर हम सेम इसको स्केरिंग करके फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं आपको दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। देखो हमारे पास डोमेन क्या है, माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री, ये हमारे पास डोमेन है इस फंक्शन की, जो डोमेन है मैं स्क्वेयरिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जब मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा बेटा, और लेस देन इक्वल टू कितना, नाइन। अब एक्स स्क्वेयर ये भी नाइन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर या तो नाइन या नाइन से लेस, लेकिन एक्स स्क्वेयर की कोई और भी वैल्यू है जिससे जे इसकी मिनिमम वैल्यू हो, ज़ीरो, याद है आपको कि एक्स अगर रियल नंबर है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस थ्री और थ्री के बीच में जितने भी नंबर है वो क्या है, रियल नंबर, उन रियल नंबर का स्क्वेयर करना है, तो या तो वो ज़ीरो होंगे या ज़ीरो से ग्रेटर होंगे। तो मैंने ये यहाँ इसलिए लगाया कि ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू नाइन आएगा, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, हमने ये बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस से। तो क्या मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी इनक्वालिटी चेंज, इसके साथ माइनस एक्स स्क्वेयर, इसके साथ इनक्वालिटी चेंज माइनस नाइन,
अब मुझे ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 9 ऐड करना है, तो मैं सबके साथ 9 ऐड कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0। और ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात एक ही, दोनों यहाँ 9 एन माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो मैंने ये लिख दिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 से छोटा है, तो यहाँ ये इससे 0 से बड़ा, ये 0 से बड़ा होगा, दोनों सेम चीज़। अब मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, और ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया, ये कितना है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी किस में लाई करेगी, 0 और 3 के बीच में, तो ये इसकी क्या हुई, रेंज। और मेरे पास आएगा आर एफ 0, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर रेंज, और यहाँ पे हमने डोमेन फाइंड की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, नोट कर लो। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, और हमने 3 या 4 वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, आपने वो वैल्यू पुट करनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे इसमें एक वैल्यू है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आप सिंपली x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे 0 माइनस 5 दैट इज़ माइनस 5। तो सिमिलरली आप सेकेंड जो बाकी वैल्यू वैसे भी पुट करके आप ये कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपके एक रिलेशन गिवन है, ये देखिए, टी ऑफ सी टेम्परेचर है ये इज इक्वल टू 9c/5+32, ये एक रिलेशन गिवन है। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए, पहला लिया मैंने कि टी ऑफ माइनस 10 निकालना है, तो सेम क्वेश्चन, टी ऑफ माइनस 10 का मतलब आपने सी की वैल्यू क्या कर देनी है, यहाँ पे माइनस 10 पुट कर देनी है, ये आ गए 9 - 10/5+32, ये आप यहाँ कैंसिल कर दें, तो कितना आ गया -18+32 और आई थिंक 14। थर्ड, इसका फोर्थ पार्ट है कि अब आपको टी सी गिवन है और आपने सी फाइंड करना है, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास आ रिलेशन टी सी इज इक्वल टू 9c/5+212 अब टी ऑफ सी आपको गिवन है, तो ये इसकी वैल्यू आप लिखिए 212 9c/5+32, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है सी की, तो 32 इधर ले आए, 212 - 32 9c/5 कितना आ गया जी 180, और c इज इक्वल टू 180 × 5/9, ये आप काट दें तो कितना आ गया जी 100°C, c यहाँ पे सेल्सियस है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 पार्ट है, हमने रेंज फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन चेक करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, और साथ में दिया कि x ग्रेटर देन 0 है, रेंज फाइंड करनी है। तो देखियो आपको क्या गिवन है, सिंस x किसे बिलोंग करे बेटा, और साथ में आपको गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 है। अब हमने यहां से एफ एक्स बनाना है, x ग्रेटर देन 0 है और हमने यहाँ से एफ एक्स बनाना है, तो इस x को मैं पहले किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 1 है कि 3 है, तो मैं 3 से कर रहा हूँ, तो 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या 0 ही रहा, फिर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी इनक्वालिटी क्या हो जाएगी, फिर इसमें 2 ऐड है तो दोनों तरफ मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, और क्या मैं इसे एफ एक्स लिख सकता हूँ, लेस देन 2 लिख सकता हूँ, तो हमारा जो एफ एक्स है, एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, और एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2 से कम, तो इसका मतलब यह है कि इसका जो रेंज है वो क्या आ गई, -∞ से लेकर 2 तक, और वो क्या आएगा ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ इक्वल नहीं लगा। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स क्या है, रियल नंबर है। अब देखो एक्स किसे बिलोंग करे बेटा, इसका मतलब जो है कि उसका जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब एक्स आर को बिलोंग कर रहा होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, और इसमें अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे 2 आ गया, ये क्या आ गया एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
तो क्या होगी रेंज बेटा, टू से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएगी, और टू के साथ क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। चलिए थर्ड देखें, एफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल गिवन है और कहता है कि एक्स रियल नंबर है, तो इसका रेंज क्या होगा, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है एफ एक्स इक्वल एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, और एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के, तो एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर ये होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसी एक्सरसाइज के साथ जो रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर था वो फिनिश हुआ, क्योंकि जो इसकी मिसलेनियस है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, वो डिलीटेड है सिलेबस आपका। तो कल आपका जो है दो तरह से टेस्ट होगा, एक टेस्ट मैं लूँगा मल्टीपल चॉइस, और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका रिटर्न, ठीक है।